Dear students, today we are going to read the lesson The Making of the Earth from class 10th main course book. और टाइटल की बात कर रहे हैं द मेकिंग ऑफ द अर्थ, धरती का बनना, धरती कैसे बनी. सो ये बताया गया इस लेसन में. और जो राइटर हैं जवाहरलाल नेहरू, भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर और एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन, स्टेट्समैन, नेता होने के अलावा वो बहुत अच्छे सफल राइटर भी थे. बहुत सारी उन्होंने बुक्स लिखी. इंट्रोडक्शन में यही बताया गया यहाँ पे. और कुछ जो बुक्स उनकी काफ़ी पॉपुलर हुई, दोज आर ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और डिस्कवरी ऑफ इंडिया. तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे तो काफ़ी सीरियल्स भी बने, उस पर कई टीवी प्रोग्राम्स भी बने. और ये जो लेसन है, उनकी एक और जो बुक पब्लिश हुई, लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर. सो जो कि कलेक्शन थी, जो लेटर्स उन्होंने लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने अपनी डॉटर, अपनी बेटी इंदिरा गांधी को, जो लेटर्स लिखी थी, ये लेटर्स उन्होंने तब लिखी जब वो खुद जेल में थे, अहमदाबाद में थे, और उनकी बेटी इंदिरा गांधी मसूरी में पढ़ाई कर रही थी. और अलग अलग लेटर्स में अलग अलग बातें लिखी हैं, हिस्ट्री के साथ रिलेटेड, साइंस के साथ रिलेटेड फैक्ट्स जो हैं बताए गए हैं. रामायण महाभारत के बारे में भी बात की गई है. सो इन 30 लेटर्स की कलेक्शन के साथ एक बुक जो है वो राइट की गई. और इस लेसन में भी उनकी जो एक लेटर है वो पब्लिश की गई है. तो इस लेटर में उन्होंने अपनी बेटी को बताया है, जो कि 10-11 इयर्स की थी, और उन्होंने अपनी बेटी को समझाया है कि धरती कैसे बनी, मेकिंग ऑफ द अर्थ, धरती किस तरह बनी. तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में ये बात उन्होंने एक्सप्लेन की है. सो लेट्स रीड द लेसन. You know that the earth goes round the sun. So जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं, अपनी बेटी को बता रहे हैं कि तुम जानती हो ये जो अर्थ है, धरती है, goes round the sun, ये सूरज के इर्द गिर्द घूमती है. And the moon goes round the earth, और जो moon है, चंद्रमा है, वो धरती के आस पास घूमता है. You know also, तुम जानती हो ये भी, perhaps शायद, that there are several other bodies, कि और भी कई इस तरह की bodies हैं, अंतरिक्ष पिंड हैं, which like the earth, जो कि धरती ही की तरह go round the sun, सूरज के इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं. All these, और ये सब, including our earth, हमारी धरती के समेत, are called planets of the sun. इनको planets of the sun कहा जाता है, सूरज के ग्रह कहा जाता है. सो जो दूसरे planets भी हैं धरती के अलावा, जो सूरज के चक्कर काटते हैं. द मून इज कॉल्ड ए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, और जो मून है, चंद्रमा है, इसे धरती की सैटेलाइट, धरती का उपग्रह कहा जाता है. बिकॉज इट हैंग्स ऑन टू इट, क्योंकि ये हैंग ऑन मतलब उसके साथ जैसे जुड़ा हुआ है, उसके साथ लटकता है, धरती के साथ ही. द अदर प्लैनेट्स हैव ऑल्सो गॉट देयर सैटेलाइट्स, जो दूसरे प्लैनेट्स हैं उनकी भी अपनी अपनी सैटेलाइट्स हैं, उनके भी अपने अपने उपग्रह हैं. द सन एंड द प्लैनेट्स, और ये जो सूरज हैं और ये जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, विद योर सैटेलाइट्स, अपनी सैटेलाइट्स के समेत, अपने उपग्रह के समेत, फॉर्म ए हैप्पी फैमिली. सो एक हैप्पी फैमिली, खुशनुमा परिवार बनाते हैं. तो सब मिलके, सूरज हो गया, प्लैनेट्स हो गए, ग्रह हो गए, ग्रह के आगे उपग्रह हो गए, सो मिलके एक, वो कह रहे हैं, खुशनुमा परिवार सब बन जाता है. दिस इज कॉल्ड द सोलर सिस्टम, और इसको सोलर सिस्टम कहते हैं या सौर मंडल कहते हैं. सोलर मीन्स बिलोंगिंग टू द सन. सोलर का मतलब यही है कि सन से जुड़ा हुआ, सूरज से जुड़ा हुआ, सूरज से, सन से सोलर बना है. एंड सन बींग द फादर ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, और क्योंकि ये जो सन है ये सारे प्लैनेट्स का पिता के समान है, फादर के समान है. द होल ग्रुप इज कॉल्ड द सोलर सिस्टम, इसलिए इस पूरे ग्रुप को सोलर सिस्टम कहा जाता है. तो यही बताया फर्स्ट पैराग्राफ में, बड़े सिंपल वर्ड्स में बताया कि सन, सन के आगे उसके प्लैनेट्स, प्लैनेट्स के आगे उसके सैटेलाइट्स, उपग्रह हो गए, और मिलके एक परिवार बनता है. जैसे सबसे बड़ा परिवार का सदस्य सन है, तो और इसलिए जो सन की जो पूरी फैमिली है, तो सन मीन्स सोलर, और इसको सोलर सिस्टम कहते हैं, इस पूरे फैमिली ग्रुप को. एट नाइट, और रात को, यू सी थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स इन द स्काई, तो तुम आसमान में हजारों स्टार्स को देखते हो, तारों को देखते हो. Only a few of these are the planets, और इनमें से बहुत थोड़े से ही हैं जो planets हैं, जो असल में ग्रह हैं. And these are really not called stars at all,
और इनको सचमुच में स्टार्स नहीं कहा जाता, ये प्लैनेट्स अलग हैं, स्टार्स अलग हैं। कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ प्लैनेट एंड ए स्टार? क्या तुम डिस्टिंग्विश कर सकती हो, फर्क कर सकती हो एक प्लैनेट और एक स्टार में, देख के पता लगा सकती हो कि प्लैनेट कौन सा है, स्टार कौन सा है, फर्क किसका पता चल सकता है तुम्हें? द प्लैनेट्स आर रियली क्वाइट टाइनी, जो प्लैनेट्स हैं वो असल में सचमुच में काफ़ी टाइनी हैं, स्मॉल हैं, बड़े छोटे से हैं, लाइक अवर अर्थ, जैसे कि हमारी धरती है। कंपेयर टू द स्टार्स, स्टार्स की तुलना में, तारों की तुलना में जो प्लैनेट होते हैं वो काफ़ी साइज में छोटे होते हैं। बट दे लुक बिगर इन द स्काई, लेकिन आसमान में वो बड़े नज़र आते हैं, बिकॉज दे आर मच नियरर टू अस, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा करीब होते हैं हमारे। सो असल में साइज़ तो प्लैनेट्स का उसने कहा कि छोटा होता है, स्टार ज़्यादातर बड़े होते हैं, लेकिन दिखने में प्लैनेट बड़े लगते हैं क्योंकि वो हमारे पास है, कोई चीज़ हमारे पास हो तो वो बड़ी लगती है, थोड़ी दूर हो तो छोटी लगती है। जस्ट एज अ मून, और बिल्कुल ऐसे मून की तरह, चंद्रमा की तरह, विच इज़ इन रियलिटी क्वाइट ए बेबी, जो कि रियलिटी में असल में बिल्कुल बेबी की तरह है, छोटे बच्चे की तरह है। लुक सो बिग, लेकिन वो काफ़ी बड़ा नज़र आता है, बिकॉज इट इज़ क्वाइट नियर टू अस, क्योंकि ये काफ़ी करीब है हमारे। तो वैसे तो वो कहते हैं चंद्रमा बहुत ही छोटा है, तारे बड़े हैं, चंद्रमा छोटा है, लेकिन चंद्रमा बड़ा लगता है तारों की तुलना में, क्योंकि चंद्रमा जो है मून है काफ़ी करीब है हमारे। बट द रियल वे टू डिस्टिंग्विश द स्टार्स, लेकिन जो सही तरीका है, असली तरीका है स्टार्स को डिस्टिंग्विश करने का, तारों को अलग देखने का फ्रॉम द प्लैनेट्स, प्लैनेट से उनका फ़र्क करने का, इज़ टू सी, वो ये है कि ये देखना इफ़ दे ट्विंकल और नॉट, कि क्या वो ट्विंकल करते हैं, टिमटिमाते हैं या नहीं टिमटिमाते। स्टार्स ट्विंकल, जो स्टार्स हैं, सितारे हैं, वो ट्विंकल करते हैं, टिमटिमाते हैं, प्लैनेट्स डू नॉट, और जो प्लैनेट्स हैं वो टिमटिमाते नहीं हैं। तो ये फ़र्क है देखने में तारों का और प्लैनेट्स का। यदि फ़र्क करना हो कि कौन सा स्टार है, कौन सा प्लैनेट है, तो ये एक फ़र्क है कि जो चीज़ ट्विंकल करती है, टिमटिमाती है, जगमगाती है, वो स्टार है, और जो नहीं टिमटिमाती, एक तरह की लाइट रहती है, तो वो प्लैनेट है। दैट इज़ बिकॉज, और ये इसलिए है क्योंकि द प्लैनेट्स ओनली शाइन, क्योंकि जो प्लैनेट्स हैं वो सिर्फ इसलिए शाइन करते हैं, इसलिए चमकते हैं, बिकॉज दे गेट द लाइट ऑफ आवर सन, क्योंकि उनको सूरज की रोशनी प्राप्त होती है। इट इज़ ओनली द सनशाइन ऑन द प्लैनेट्स, और ये सिर्फ वो सनशाइन होती है, सूरज की रोशनी होती है प्लैनेट्स के ऊपर जो पड़ रही है, और द मून या मून के ऊपर पड़ रही है, दैट वी सी, जो हम देखते हैं। सो उनकी अपनी रोशनी नहीं है, तो सूरज की रोशनी उन पे जब प्लैनेट्स पे पड़ती है, या चंद्रमा की भी रोशनी अपनी खुद की नहीं है, वो भी सूरज की रोशनी है जो उस पे पड़ रही है, जो हमें नज़र आती है। द रियल स्टार्स आर लाइक अवर सन, जो असली तारे हैं वो हमारे सूरज की तरह ही हैं। दे शाइन ऑफ देमसेल्व, वो खुद ही चमकते हैं, बिकॉज दे आर वेरी हॉट एंड बर्निंग, क्योंकि वो बड़े गर्म है और जल रहे हैं। इन रियलिटी, असल में, सच्चाई में, असलियत में, अवर सन इट्सेल्फ इज़ ए स्टार, जो हमारा सन है ये खुद भी एक स्टार ही है, एक तारा ही है। ओनली इट लुक्स बिगर, बस ये सिर्फ बड़ा नज़र आता है, एज इट इज़ नियरर, क्योंकि ये पास है, करीब है ज़्यादा। एंड वी सी इट एज अ ग्रेट बॉल ऑफ फायर, और हम इसे देखते हैं एक बड़ी, जैसे आग का गोला हो, ऐसा हमें नज़र आता है। और इस पैराग्राफ में भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई गई है, कि तारों का और प्लैनेट्स का, ग्रह का फ़र्क बताया है, और ये भी बताया कि सन भी एक सितारा ही है, एक स्टार ही है। तो लेकिन सन हमें बड़ा नज़र आता है क्योंकि काफ़ी पास है, बाकी स्टार्स दूर हैं, इसलिए छोटे नज़र आते हैं। और जो स्टार्स होते हैं, जैसे सन भी स्टार है, इनकी अपनी लाइट होती है, क्योंकि ये बहुत गर्म होते हैं, जैसे आग जल रही है, इस तरह का इनका मैटर है, और इनकी रोशनी खुद की होती है। लेकिन जो प्लैनेट्स हैं, जैसे हमारी धरती है, तो यहाँ पे कोई आग नहीं है, ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, इसलिए इसकी अपनी रोशनी नहीं है, प्लैनेट्स की अपनी रोशनी नहीं है। इवन मून, चंद्रमा की रोशनी जिसे हम कहते हैं, वो चंद्रमा की रोशनी नहीं है, वो भी असल में सन की रोशनी है। सो इन चीज़ों पे, मून पे या अर्थ पे, सैटेलाइट जो प्लैनेट्स हैं या सैटेलाइट्स हैं, सो उनकी अपनी रोशनी नहीं होती, उन पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो चमकते हैं। तो स्टार्स की रोशनी अपनी होती है, और फ़र्क कैसे पता करते हैं स्टार्स और प्लैनेट में, जो ट्विंकल करते हैं, टिमटिमाते हैं, वो स्टार्स हैं, जो नहीं टिमटिमाते वो प्लैनेट्स हैं। सो दैट अवर अर्थ बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ द सन, और इस तरह जो ये जो हमारी धरती है, ये सूरज के परिवार से संबंध रखती है, द सोलर सिस्टम। और सन का कौन सा परिवार है, सोलर सिस्टम, जिसे हिंदी में सौर मंडल भी हम कहते हैं। वी थिंक द अर्थ इज़ वेरी बिग, हम सोचते हैं कि धरती बहुत बड़ी है,
एंड इट इज़ बिग कंपेयर टू अवर टाइनी सेल्स, और ये बड़ी है यदि हम अपने टाइनी सेल्स अपने खुद के छोटे शरीर के साथ जैसे इसकी तुलना करें, तो हम खुद बड़े छोटे हैं और अपने हिसाब से हम देखते हैं कि धरती पे कितने करोड़ों आदमी हैं, लोग हैं, तो उस हिसाब से हमें बड़ी लगती है धरती। इट टेक्स वीक्स एंड मंथ्स, और इसको कई हफ्ते या महीने लगते हैं टू गो फ्रॉम वन पार्ट ऑफ इट टू अनदर, कि धरती के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने में। इवन इन ए फास्ट ट्रेन और स्टीमर, यदि फास्ट ट्रेन में भी जाएं या स्टीमर में भी जाएं, समुद्री रास्ते से भी जाएं जहाज में, तो तब भी काफ़ी समय लग जाता है। बट ऑल दो इट सीम्स सो बिग टू अस, लेकिन हालांकि ये हमें बहुत बड़ी नज़र आती है, इट इज़ जस्ट लाइक ए स्पेक ऑफ डस्ट हैंगिंग इन द एयर। असल में ये सिर्फ एक स्पेक ऑफ डस्ट, एक मिट्टी का जैसे कण होता है हैंगिंग इन द एयर, हवा में लटक रहा मिट्टी का एक कण, असल में ये सिर्फ इसका साइज उतना ही है। तो कह रहे हैं कि यदि पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो पूरे ब्रह्मांड में जो धरती का साइज है तो वो एक मिट्टी के कण के बराबर ही है। हालांकि हमें तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन पूरी दुनिया को देखें तो उसमें इसका साइज कंपेयर करें तो एक मिट्टी के कण की तरह ही है। द सन इज मिलियंस ऑफ माइल्स अवे, और ये जो सूरज है वो मिलियंस ऑफ माइल्स मतलब लाखों करोड़ों मील, सो 1 मिलियन में 10 लैक्स होते हैं, 10 लाख, सो मतलब लाखों करोड़ों मील दूर है। एंड द अदर स्टार्स आर इवन फर्दर अवे, और जो दूसरे तारे हैं वो तो उससे भी आगे, उससे भी ज़्यादा दूर है। सो इतना दूर है सूरज हमसे, लेकिन हालांकि हमें पास नज़र आता है, हालांकि बाकी सितारों से तो फिर भी करीब है। एस्ट्रोनोमर्स, और ये जो एस्ट्रोनोमर्स हैं जिसे हिंदी में खगोल वैज्ञानिक कहते हैं या अंतरिक्ष वैज्ञानिक भी कह सकते हैं, जो अंतरिक्ष को, यूनिवर्स को स्टडी करते हैं, तारों को स्टडी करते हैं, उनको एस्ट्रोनोमर्स कहते हैं। दोज पीपल स्टडी द स्टार्स, वही लोग जो स्टार्स को स्टडी करते हैं, टेल अस, वो बताते हैं दैट लॉन्ग लॉन्ग एगो, कि बहुत बहुत पुराने समय की, पहले की बात है, द अर्थ एंड ऑल द प्लैनेट्स, ये जो धरती और सारे जो इसके ग्रह हैं, बाकी जो प्लैनेट्स हैं, वर पार्ट ऑफ द सन, वो सूरज का ही हिस्सा थे। द सन वॉज देन एज इट इज नाउ, और सूरज तब जैसा कि अब भी है, ए मास ऑफ फ्लेमिंग मैटर, एक मास ऑफ फ्लेमिंग मैटर, जैसे कोई चीज़ जल रही हो, ऐसा पदार्थ का एक बड़ा गोला था, टेरिबली हॉट, जो कि बड़ा भयानक तरीके से गर्म था, बहुत ज़्यादा गर्म था। समहाउ किसी तरह लिटिल बिट्स ऑफ द सन गॉट लूज, जो छोटे छोटे टुकड़े थे सूरज के वो ढीले पड़ गए, लूज हो गए, एंड दे शॉर्ट आउट इन टू द एयर, वो और वो शॉर्ट आउट कर गए, जैसे उनका धमाके से वो बाहर को आ गए, हवा में, सूरज में से निकल के हवा में चले गए। बट दे कुड नॉट होली गेट रिड ऑफ देयर फादर, लेकिन वो पूरी तरह से अपने पिता से पीछा नहीं छुड़ा पाए, और पिता कौन है, द सन, सन से, सूरज से, मतलब सूरज का ही हिस्सा थे। ये जो धरती है ये भी सूरज का हिस्सा थी, सूरज के अंदर ही थी, और प्लैनेट्स भी वो कह रहे हैं सूरज का हिस्सा थी। और किसी तरह कुछ धमाका सा हुआ और कुछ टुकड़े से उसके बाहर निकल गए, जैसे धरती भी उसी में से थी, और लेकिन ये अपने पिता से, अपनी पेरेंट बॉडी से पूरी तरह से पीछा नहीं छुड़ा पाए, सन से पूरी तरह दूर नहीं हो पाए। इट वॉज एज इफ अ रोप वॉज टाइड टू देम, और ये कुछ इस तरह था जैसे कोई रस्सी उनके साथ बांधी गई हो। एंड दे केप्ट वर्लिंग राउंड द सन, और वो सन के आसपास वर्ल करते रहे, उसके इर्द गिर्द गोल गोल घूमते रहे, जैसे कोई शक्ति हो, जैसे कोई रस्सी की तरह चीज बांधी गई हो। दिस स्ट्रेंज फोर्स, ये जो अजीब सी फोर्स थी, जो बल था, विच आई हैव कंपेयर टू ए रोप, जिसका मैंने तुलना रोप के साथ, एक रस्सी के साथ की है, इज समथिंग, वो कुछ इस तरह की चीज़ है, विच अट्रैक्ट्स लिटल थिंग्स टू ग्रेट, जो कि छोटी चीज़ों को ग्रेट, बड़ी विशाल चीज़ों की ओर अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है, खींचती है। इट इज़ द फोर्स, ये वो वाली फोर्स है, बल है, विच मेक्स थिंग्स फॉल बाय देयर वेट, जो कि चीज़ों को अपने भार के वजह से नीचे गिराता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण भी हम कहते हैं, कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, भारी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो नीचे को आती है। द अर्थ बींग द बिगेस्ट थिंग, और क्योंकि धरती जो सबसे बड़ी चीज़ है नियर अस, हमारे आसपास, अट्रैक्ट्स एवरी थिंग वी हैव, सो ये अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है हर उस चीज़ को जो हमारे पास है। जैसे हम सबसे ज़्यादा धरती के करीब हैं, सूरज के या किसी और प्लैनेट के करीब नहीं है, तो हम जब ऊपर छलांग भी लगाते हैं तो धरती के पास अट्रैक्ट होते हैं, धरती के पास आके चिपकते हैं। तो इसी तरह वो कह रहे हैं कि ये एक रूल है यूनिवर्स का, कि जो छोटी चीज़ें हैं वो बड़ी चीज़ की ओर अट्रैक्ट होती हैं, आकर्षित होती हैं।
सो उसी तरह ये धरती हमारी एक छोटा सा हिस्सा है और सन एक बहुत बड़ी चीज़ है, और जैसे हम जो इंसान है वो सबसे पास हमारे धरती है, तो हम धरती की ओर अट्रैक्ट होते हैं, और धरती के पास सन है जो नियरेस्ट बड़ी बॉडी है, तो ये जो अर्थ है जो धरती है वो सन की ओर अट्रैक्ट होती है, सर सन की ओर खींची चली जाती है जैसे कोई रस्सी के साथ खींच रहा हो। इन दिस वे और इस तरीके से अवर अर्थ आल्सो शॉर्ट आउट फ्रॉम द सन, जो हमारी धरती थी वो भी शॉर्ट आउट हुई, विस्फोट के साथ सूरज से अलग हो गई। इट मस्ट हैव बीन वेरी हॉट, और ये जरूर बड़ी हॉट रही होगी, बहुत गर्म रही होगी, विद टेरिबल हॉट गैसेस एंड एयर ऑल अराउंड इट, और बड़ी टेरिबल भयानक गर्म गैसेस रही होंगी इस धरती के ऊपर, और हवा भी बहुत गर्म रही होगी आसपास। बट एज इट वॉज वेरी मच स्मॉलर, क्योंकि लेकिन ये बहुत छोटी थी देन द सन, सन की तुलना में, सूरज की तुलना में धरती बहुत छोटी सी थी, इट स्टार्टेड टू कूल, और इसलिए इसने ठंडा होना शुरू कर दिया। सो कोई बड़ी चीज़ गर्म होने से ठंडा होने में ज़्यादा टाइम लेती है, छोटी चीज़ जल्दी ठंडी हो जाती है, और यही वो कह रहे हैं कि धरती छोटी थी सूरज की तुलना में, सूरज तो अभी भी गर्म है लेकिन धरती ठंडी हो गई। द सन ऑल्सो इज गेटिंग लेस हॉट, हालांकि जो सन है वो भी कम गर्म होता जा रहा है, बट इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू कूल डाउन, लेकिन इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे पूरी तरह ठंडा होने में। द अर्थ टुक मच लेस टाइम टू कूल, और धरती ने काफ़ी कम समय लिया ठंडा होने में। वेन इट वॉज हॉट, जब ये गर्म थी, ऑफकोर्स नथिंग कुड लिव ऑन इट, और ऑफकोर्स बेशक कोई भी चीज़ इस पे जीवित नहीं रह सकती थी। शुरू शुरू में धरती बड़ी गर्म थी तो तब कोई भी इस पे नहीं जीवित रह सकता था, नो मैन और एनिमल और प्लांट और ट्री, ना कोई आदमी, ना जानवर, ना पौधा, ना पेड़, कुछ भी इतनी गर्म धरती पे नहीं रह सकता था। एवरीथिंग वुड हैव बीन बर्नड अप देन, और हर चीज़ जल जाती उस समय यदि ऐसा रहने की कोशिश करती तो। जस्ट एज ए बिट ऑफ द सन शॉर्ट आउट, जैसे सन का छोटा सा हिस्सा शॉर्ट आउट कर गया, विस्फोट करके निकल गया एंड बिकेम द अर्थ, और धरती बन गया। सो ऑल्सो और उसी तरह ए बिट ऑफ द अर्थ, धरती का भी एक छोटा सा टुकड़ा शॉर्ट आउट, वो भी इसी तरह विस्फोट करके निकल गया एंड बिकेम द मून, वो मून बन गया, चंद्रमा बन गया। जैसे धरती सूरज में से निकल के अलग हो गई, उसी तरह धरती में से निकल के चंद्रमा अलग हो गया। मैनी पीपल थिंक, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं दैट द मून केम आउट ऑफ द ग्रेट होलो, ये जो मून है वो उस बड़े होलो, जो धसी हुई खोखली जो ज़मीन है, विच इज़ नाउ द पैसिफिक ओशन, जो जिसको हम पैसिफिक ओशन भी कहते हैं, प्रशांत महासागर भी कहते हैं, बिटवीन अमेरिका एंड जापान, अमेरिका और जापान के बीच में ये जो ओशन है, महासागर है, तो वो कहा जाता है कि ये जो महासागर बना है इसी, इसके नीचे जो जो जमीन है इसी में से मून चंद्रमा निकल के धरती से अलग हुआ था। सो द अर्थ स्टार्टेड टू कूल, और इस तरह ये जो धरती है वो कूल होनी शुरू हो गई, ठंडी होनी शुरू हो गई। इट टुक ए लॉन्ग टाइम ओवर इट, और काफ़ी लंबा समय लगा इसको इस पूरे प्रोसेस में ठंडा होने में। ग्रेजुअली स्लोली धीरे धीरे द सर्फेस ऑफ द अर्थ बिकेम कूलर, ये जो सर्फेस ऑफ अर्थ था, धरती की जो ऊपर वाली सतह थी वो ठंडी हो गई। ऑल्दो द इंटीरियर रिमेंड वेरी हॉट, हालांकि जो इंटीरियर था, अंदरूनी हिस्सा था धरती का, वो बड़ा हॉट रहा, बड़ा गर्म रहा। इवन नाउ, और अभी भी, इफ़ यू गो डाउन ए कोल माइन, यदि आप कोल माइन में किसी कोयले की खान में नीचे जाओ, इट बिकम्स हॉटर एंड हॉटर एज यू गो डाउन, तो वो गर्म और गर्म होती जाएगी जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे। प्रोबेबली शायद इफ़ यू कुड गो डाउन डीप इनफ, यदि आप काफ़ी गहरा जा पाओ, इनसाइड द अर्थ धरती के अंदर, यू वुड फाइंड इट रेड हॉट, तो आप देखोगे कि वहाँ बहुत ज़्यादा, यदि अंदर चले जाएं धरती के नीचे चले जाएं, तो आप देखोगे कि वहाँ पे वो रेड हॉट है, बिल्कुल गर्म लाल हालत में है वो। द मून ऑल्सो स्टार्टेड टू कूल, और जो जो मून था, चंद्रमा था, इसने भी ठंडा होना शुरू किया। एंड बिकॉज इट वॉज मच स्मॉलर, क्योंकि ये और काफ़ी ज़्यादा छोटा था देन इवन द अर्थ, यहाँ तक कि धरती से भी ज़्यादा छोटा था, धरती सूरज का एक छोटा हिस्सा है और मून वो कह रहे हैं धरती का भी छोटा हिस्सा है, तो इट कूल्ड मोर क्विकली देन द अर्थ, तो ये धरती से भी ज़्यादा तेज़ी से ठंडा होना शुरू हो गया, क्योंकि जितनी चीज़ छोटी है उतनी ज़्यादा जल्दी ठंडी होती है। इट लुक्स डिलाइटफुली कूल, डज इट नॉट, और ये बड़ा डिलाइटफुली, बड़ा मज़ेदार तरीके से, बड़ा ठंडा सा लगता है, बड़ा अच्छा सा लगता है, क्या ऐसा नहीं है? इट इज़ कॉल्ड द कोल्ड मून, और हम इसको कोल्ड मून भी कहते हैं, ठंडा चंद्रमा कहते हैं, जब भी चंद्रमा की बात होती है तो कहते हैं कि चंद्रमा बड़ा शीतल है, ठंडा है, सूरज गर्म है, ऐसी बातें होती हैं।
Perhaps it is full of glaciers and ice fields, और शायद ये glaciers से बर्फ के पहाड़ों, बर्फ बर्फ के समुद्रों और आइस फील्ड से बर्फ के मैदानों से भरा हुआ है ये चंद्रमा। When the earth cooled, और जब धरती ठंडी हो गई, all the water vapor in the air, जितना भी वाटर वेपर था, वाष्प कण थे जो पानी के हवा में कंडेंस्ड इनटू वाटर, वो कंडेंस हो गए, गाढ़े हो के पूरा वाटर बन गया, पानी बन गया। एंड प्रोबेबली केम डाउन एज रेन, और शायद वो रेन बन के, बारिश बन के, बरसात बन के नीचे बरसने लगा। इट मस्ट हैव रेन्ड अ ट्रिमेंडस लॉट देन, और जरूर बहुत ज़्यादा बारिश हुई होगी। ऑल दिस वाटर, और ये जो सारा पानी था, फिल्ड द ग्रेट होलोज इन द अर्थ, उसने जो बड़े बड़े होलोज थे, जो धसी हुई जमीन थी, खोखली जमीन थी धरती पे, वहाँ पे ये सारा पानी भर गया। तो जैसे बताया कि जैसे चंद्रमा निकला और भी धरती के पीस निकले, तो जो उनकी जो खाली स्थान बना था उन चीज़ों के निकलने से, तो उस खाली स्थान पे ये सारा पानी भर गया। एंड सो द ग्रेट ओशंस एंड सीज वर फॉर्म्ड, तो इस तरह ये जो महान महासागर हैं और समुद्र हैं, तो ये बने इस ढंग से। एज द अर्थ बिकेम कूलर, और जैसे धरती ठंडी हो गई, एंड द ओशंस आल्सो बिकेम कूलर, और जो ओशंस थे, महासागर थे, वो भी ठंडे हो गए, इट बिकेम पॉसिबल फॉर लिविंग थिंग्स टू एग्जिस्ट, तो तब ये संभव हुआ लिविंग थिंग्स को, जीवित प्राणियों को जीवित रहना, जिंदा रहना ऑन द अर्थ सरफेस, धरती के सतह पे, और इन द सी या समुद्र में, तो जो जीवन है, तो तब संभव हो पाया, तब लोग, प्राणी, जीव जंतु रह पाए, जब धरती ठंडी हो गई, समुद्र ठंडा हो गया, समुद्र में भी मछलियाँ और जीव जंतु जो है वो पैदा हो गए, और धरती पे भी जीवन पॉसिबल हुआ, संभव हुआ। तो इस ढंग से उन्होंने कहा ये सब बना है जवाहरलाल नेहरू, सो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, जैसे हमने पहले भी बात की इंट्रोडक्शन में, उन्होंने अपनी बेटी को ये सारी बातें बताई हैं, बड़े सिंपल वर्ड्स में 10-11 साल के बच्चे को समझाया गया है कि पूरा यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ, धरती कैसी बनी, और बहुत ही आसान तरीके से। आई थिंक आपको भी बहुत क्लियरली समझ लग गया होगा, किसी साइंस बुक में भी इतने सिंपल तरीके से नहीं समझाया गया होगा जितने अच्छे ढंग से इस लेसन में समझाया गया है। सो इट इज़ अ ब्यूटिफुल लेसन, सो आई होप बाय नाउ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट द सोलर सिस्टम इज़। आपको समझ लग गया होगा पूरा सोलर सिस्टम होता क्या है, धरती कैसे बनी, मून कैसे बना, प्लैनेट्स कैसे बने, धरती का सन के साथ क्या रिश्ता है, मून का अर्थ के साथ क्या रिश्ता है। सो ऑल दीज थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड इन दिस लेसन, सो आई एम श्योर यू मस्ट हैव फाउंड इट क्वाइट यूजफुल, सो थैंक यू। विल मीट अगेन, विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम दिस लेसन इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।